ओए होए, आए हाय, क्या नज़ारा है। जिंदगी के पूरे करने वाला नज़ारा भाई। कति गुरु ते घर के आगे सीधा ही है लंगर हॉल। गेट देखो भाई, पंजाबी पढ़नी आ गई ना तारा भाई, एक दिन जरूर पढ़ेगा। तो लंगर हॉल भी बहुत बड़ा चकिया है। और लंगर में था भाई अपना चावल, आलू छोले की सब्जी, दाल की सब्जी और परांठा भाई साहब, खीर, मतलब स्वादिष्ट। चैनल को सब्सक्राइब करो भैया, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसा करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं, और जो बिना सब्सक्राइब किए हमारा वीडियो देखते हैं उनके पापों का हिसाब रखने के लिए खुद चित्रगुप्त ने सेक्रेटरी रखा हुआ है। हेलो, तो राम राम भाई सारा, स्वागत आपका अपने चैनल वेदी ब्लॉग्स में। मैं आपका होस्ट नीतीश वेदी। तो भाई फिलहाल मैं खड़ा हूँ अमृतसर, और अमृतसर जाना जाओ भाई, गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर, यो तो फिर आए होगा मेरे गेला भाई। सत श्री अकाल पाजी। भाजी सत श्री अकाल, की हाल थोड़ा? बहुत बढ़िया। और एक भाई अपना यो जो तमनरी वीडियो में देखा होगा साला कितने जानता है कोना। सत श्री अकाल पाजी। जय हो, सत श्री अकाल जी। जय बाबा जी। हैं गोल्डन टेंपल भाई जी, तम खड़े हैं आड़े तह 500 मीटर दूर अमरात नाए दे भाई। गोल्डन टेंपल ने अरमिंदर साहिब या दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाया करे। सिखा का भाई बहुत पर्यटक स्थल है, मतलब बहुत पवित्र स्थल है। और भाई गोल्डन टेंपल वास्तुकला और अपना खूबसूरती का आकर्षण का बहुत बढ़िया केंद्र है, मतलब दिखा ना नू जागर जी राज जी हो गया है। गुरुद्वारे की नींव भाई 1581 में रखी गई थी, 1588 में इसका काम कंप्लीट हो गया था पूरा। और भाई इसका जो नीचे किस्ता है ना, वो संगमरमर तक बन रही है पूरी, और जो ऊपर का हिस्सा है उस पर सोने के पैनल चढ़ा रखे हैं, और जो गेट है ना उस पर भाई सोने की पन्नी तक ढक रखा है ये पूरा। जितना ही भाई स्वर्ण मंदिर के बारे में हमने देखा है ना यार, वो अपनी ना सफाई के लिए, और सिख धर्म तो यार है, मतलब कि खाना खिलाने के लिए यहाँ पर भाई। अब गोल्डन टेंपल में 24 घंटे लंगर चला रहा है भाई, कोई कितने ही बजे आओ। हम रात ने 2 बजे आए थे ना, तो लोग ने बोले जाकर लंगर खा के आ सकते हो आप, मतलब 24 घंटे लंगर चल रहा है। 1,00,000 लोग तो ऊपर का यार ये खाना खिलाने लगे, प्रसाद पाया करें। जलियांवाला बाग कांड मतलब 600 मीटर पे है, सारी चीज़ें आस पास हैं भाई इसके, और 1,00,000 लोग तो खाना खिलाना खुद में, मतलब सोच के देखो, तो हमें एक रोटी, एक आदमी की रोटी बना देनी ना, मेरी तो कड़ी दुख है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 1,00,000 लोग, और कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, फ्री सब, फ्री सेवा, प्रसादा प्रसादा कह के दिया रहे। सिख धर्म तो यार वैसे ही दिल जीत ले है, तुनू देख लो 1,00,000 लोग तो मतलब खाना खिलाना वैसे ही बहुत बड़ी बात हो जाए। गुरुद्वारे में भाई दर्शन करने के लिए वैसे ही यार हजारा की संख्या में, कई हजारा की संख्या में लोग डेली आवे, लेकिन जो यहाँ पर मतलब सिखा का फेस्टिवल हो गया, वैसाखी हो गया, गुरु नानक जी का जन्मदिन हो गया, उस दिन तो भाई अड़े की भीड़ का बेरा ही नहीं। सवेरे का टाइम हो रहा है भाई, जो रात ने पालकी निकला करे साहिब जी की, वो निकला करे 3:30 बजे। मंदिर की टाइमिंग 4 से लेकर रात ने 11 बजे तक। और जो गुरुद्वारे की नींव रखी थी ना भाई, वो रखी थी लाहौर के एक सूफी संत थे मियाँ मीर जी, उन्होंने रखी थी। और गुरुद्वारे में भाई 4 द्वार हैं, जो कि संकेत दे रहे हैं कि मतलब कोई भी कहीं से भी किसी भी धर्म का व्यक्ति आके दर्शन कर सकता है। सामने है भाई गोल्डन टेम्पल, धूप हो रही है तगड़ी, लेकिन जो एटमोसफेयर फील करोगे ना आप, गर्मी लगे को ना, मतलब इतना प्यारा माहौल है, खूबसूरती का नज़ारा। तो हम भाई आड़े थे देख सको, ये फवारे देख कर ये और मज़े ले रहे हैं, कदे तला जाए कदे ऊपर आए हैं, क्योंकि भाई फवारे देख कर ना दी टेंशन थकान तो तारी नुआ दूर हो जाएगी, क्योंकि हैं भाई गुरुद्वारे के सामने। ओए होए, आए हाय, क्या नज़ारा है, जिंदगी के पूरे करने वाला नज़ारा भाई। कति मेरे हौस मोल रहे हैं रे, इतनी भीड़ भाई साहब श्रद्धालुओं की, मतलब नंबर को डबा होगा मेरा, तनु से नहीं समझ मारी, आड़े तो जान लाग रहे हैं, भीड़ भाई तड़की है, ठीक है दादा, तीना समस्या हो गई रही है। तो ये जो आप पेड़ देख रहे हो ना भाई, ये बेर का पेड़ है, इसका विशेष धार्मिक महत्व है इस पेड़ का। गुरु ते घर के आगे सीधा ही है लंगर हॉल। गेट देखो भाई, पंजाबी पढ़नी आ गई ना तारा भाई, एक दिन जरूर पढ़ेगा, पर पढ़नी तो ना आती। तो लंगर हॉल भी बहुत बड़ा चकिया है, देखो भाई प्लेट वगैरह सारी भीतर जाऊंगी ट्राली के थ्रू। भाई लंगर का प्रसाद चक्का है, और भाई जो मजा आया ना यार, प्रसाद तो वैसे ही यार भगवान साक्षात भोग लगाया करे भाई, फिर आड़े तो भाई नू देख लो, एक संगत उठा करे, एक पूरी बैठा करे, पूरा हॉल भर जा रहा है। और लंगर में था भाई अपना चावल, आलू छोले की सब्जी, दाल की सब्जी और परांठा भाई साहब, खीर, मतलब स्वादिष्ट, मतलब यार जीवन में जो करना यार आत्मा तृप्त हो जा रहा है। वाह, बिल्कुल भाई टेंपल के सामने है, बाबा के घर के सामने है। गति ए मेरे गाइज, भीड़ हो रही बहुत ज़्यादा, इसलिए हम चलते हैं, रात को आएंगे वापस, दर्शन करेंगे।
ईब तो भाई नंबर गया आवे 6-7 घंटे तो पहले नंबर तो ना आवे पसीना मोरे बोले तो भाई वीडियो में जरूर आपने कि मैं अच्छा लग गया होगा भाई मेरे मानो दे एक बार गोल्डन टेम्पल जरूर आओ और भाई लंगर का प्रसाद तो सारे खाओ है दो दो चार चार बार खाओ बीमार हो जाओ और प्रसाद मत छोड़ो क्योंकि भाई भगवान का प्रसाद होया करे। तो फिर वीडियो ना करो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो आपके अपने चैनल ने सारे इंडिया की ट्रिप आने लग रही फिर भी तो हम सपोर्ट नहीं कर रहे सपोर्ट करो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह सतनाम वाहेगुरु जय बोलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले हाँ जल्दी करो मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ जल्दी दबाओ दबा दो जल्दी दबा दिया घंटी भी दबा देना।